हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले पैनल सुपरस्टार यश के धमाका चैप्टर टू, तबाही चैप्टर टू, मेंस भाई अपना केजीएफ चैप्टर टू के बारे में, जिस चीज का फैंस अभी सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे। मेकर्स ने जो है वही चीज फैंस के सामने लेके रख दी, और इस टाइम पे ये चीज कहना सही भी होगा कि केजीएफ के मेकर्स को समझना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों के सामने है। केजीएफ चैप्टर टू के मेकर्स को जब लगता है कि हाँ भाई मुझे ट्रेलर को रिलीज करना है, मुझे फर्स्ट लिंगो को रिलीज करना है, मुझे ये अपडेट देना है, मुझे अब ये अपडेट देना है, उनको जब मर्जी होता है, उनका जब लगता है कि हाँ भाई अभी जरूरत है, वो तभी करते हैं। मतलब कोई कुछ भी कहे, कोई चूतिया कुछ भी कहे कि भाई हाँ इस डेट पे ये रिलीज हो रहा है, उस डेट पे ये भी रिलीज, मेकर्स उनके आसपास भी नहीं जाते, उनको जब लगता है कि ये टाइम है उसी टाइम पे वो रिलीज होते। वो बग अपडेट कितना भी वायरल क्यों ना हो, वो बग अपडेट कितना भी ट्रेंड क्यों ना, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। उन लोगों को जब लगता है कि हाँ भाई ये सही टाइम हमें अपने फिल्म के अपडेट फैंस को देना है, वो तभी देते हैं। और सबको पता है जो अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है, और जो वो दिन होने वाला है जब कि अनाउंसमेंट आएगा या फिर वो ट्रेलर ही डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, उस दिन किस लेवल का यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है, उस दिन इंटरनेट किस लेवल का यहाँ पे क्रैश होने वाला है, उस दिन क्या बवाल होने वाला है, क्या गर्दा उड़ने वाला है, ये हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन एक अलग ही लेवल का हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के अंदर। ऐसा लेवल, ऐसा हिस्ट्री, ऐसा सेंसेशन कभी नहीं हुआ होगा, उस दिन होने वाला है। और ये भी आप लोगों को मानना होगा कि केजीएफ के जो मेकर्स है वो अलग ही लेवल के हैं। मतलब वो जो चीज करते अभी तक इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, और ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है कि कोई फिल्म मेकर जो अपने ऑडियंस को डायरेक्टली कहते कि हम आपको तीन ऑप्शन देते हैं, पहला है सॉन्ग, दूसरा है ट्रेलर, तीसरा है सरप्राइज, जो आपको लेना है प्लीज, आप लोग सॉन्ग चाहिए ले जाओ, ट्रेलर चाहिए ले जाओ, या फिर हमारे भरोसे छोड़ना चाहते हो तो सरप्राइज है, जो हम देना चाहते हैं हम दे देंगे। मतलब ऐसा कोई मेकर्स हमने अभी तक नहीं देखा जो कि ऐसे मतलब खुले में आके कह रहे कि आपको क्या चाहिए, आपको सॉन्ग चाहिए, आपको ट्रेलर चाहिए, जो चाहिए मांगो हम वही देंगे। मतलब ऐसा चीज इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ है, और ये केजीएफ के मेकर्स ही कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट जब केजीएफ चैप्टर वन आया था, एंड उसके बाद जब ये सेंसेशन, ये जो एक धमाका, ये जो एक ऐसा माहौल बना है केजीएफ का, एंड केजीएफ चैप्टर टू के अंदर जो जो चीजें इन लोगों ने किया है तब से लेके आज तक, जो जो यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, फैंस को राहत की सांस तो दूर की बात है। जो अनाउंसमेंट करते उससे ज्यादा और एक्साइटमेंट बढ़ते हैं, मतलब एक्साइटमेंट कम ही नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं रिलीज करते जिससे कि भाई दिल को ठंडक लगे, ऐसा कुछ दिखा देते जिससे कि और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाते और फैंस के अंदर भाई खलबली मच जाती है कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, और इसीलिए फैंस अभी सबसे ज्यादा एक्साइट। और ये जो अनाउंसमेंट आया है वहां पे सबसे ज्यादा आप ट्रेलर में वोट देख सकते हो, क्योंकि अभी फैंस को चाहिए ट्रेलर, कोई भी पोस्टर या फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर सॉन्ग लिस्ट करते तो प्रॉपर सॉन्ग तो आने वाला है नहीं, लिरिकल सॉन्ग आएगा, उससे बेटर यही है कि हमें ट्रेलर देख, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा इंतजार के बाद अगर हमें फिर से कोई लिरिकल वीडियो जो प्रॉपर सॉन्ग ही ना देखने को मिले, उससे बेहतर यही है कि हमें ट्रेलर देखने को मिले, जिससे कि मूवी को लेके हमें आइडिया भी हो जाएगा। वहां पे हमें यश का धमाकेदार एक्शन सीन्स, उनका स्टाइल, लुक, एग्रेशन, सभी चीज देखने को मिलेगा, मूवी को लेके प्रॉपर हमें कुछ देखने को मिलेगा जिससे थोड़ा सा राहत का सांस मिले। इसीलिए फैंस आंख बंद करके जो है ट्रेलर में वोट कर, क्योंकि अभी फैंस को अपना नहीं कटाना है, इसीलिए जो है उन्होंने सॉन्ग को भी नहीं किया, और जो सरप्राइज वाला लास्ट में रखे थे अगर वो रखते ना तो मेरे हिसाब से फिर से मेकर्स कोई ऐसा वैसा कर देते और कट जाता, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले आंख बंद करके ट्रेलर का ही लिया, क्योंकि ट्रेलर ही अभी सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और मुझे पता है कि इन लोगों ने जो है ट्रेलर को ही प्रिपेयर कर रखा है, उनको भी पता है कि फैंस अभी जो चीज चाहते हैं केजीएफ चैप्टर टू को लेके वो ट्रेलर ही चाहते हैं। तो वो दिन सबसे ज्यादा धमाकेदार दिन हो, एक कह सकते हो हिस्ट्री रिपीट होने वाला है, जो टीजर का एक महासागर व्यूज का आया था वही जो है ट्रेलर के साथ होने वाला है। ट्रेलर इससे भी ज्यादा जो है सुपर डुपर गर्दा उड़ा देने वाला होने वाला है, एंड इसके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइट होने वाला है भाई, इंटरनेट पूरा क्रैश होने वाला है उस दिन, क्या तबाही होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। और रॉकिंग स्टार यश के फैंस, केजीएफ चैप्टर टू के फैंस जितना इस फिल्म को लेकर इंतजार करे थे भाई, आप लोगों का इंतजार की घड़ी खत्म होती है, क्योंकि आज जो अनाउंसमेंट किया है, जो बरसों का आप लोगों का इंतजार था इस फिल्म को देखने के लिए, इस फिल्म का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कोई भी अपडेट हो जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। हाल ही में एक
फैनमेड पोस्टर रिलीज हुआ, एक फेक पोस्टर रिलीज हुआ, उसको लेके इतना ज्यादा एक्साइटमेंट, इतना ज्यादा हल्ला मचा, एक गर्दा उड़ा देने वाला एक्साइटमेंट हुआ भाई अलग ही लेवल का। बड़े बड़ा से बड़ा यूट्यूबर भी उसको जो है असल पोस्टर मान रहे थे। तो सोचो इस फिल्म का क्या एक्साइटमेंट है, लोग कुछ भी नहीं सर्च कर रहे, कुछ भी नहीं देख रहे और कह दे रहे कि यही ऑफिशियल पोस्टर है। तो इससे पता चलता है कि इस मूवी का क्या एक्साइटमेंट है। छोटा से छोटा चीज आ जाता है ना, सेकंड नहीं लगता वायरल होने में। इस मूवी का क्या एक्साइटमेंट है, यश भाई का क्या एक्साइटमेंट है, वो अलग ही गर्दा उड़ा देने वाला नेक्स्ट लेवल है। आप लोग क्या कहना, आप लोग क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बता सकते। सो यही मुझे कहना था, मॉन्स्टर आ रहा है 14 अप्रैल को, सभी गैंगस्टर रेडी हो जाओ 14 अप्रैल को अपने मॉन्स्टर को जो है थिएटर के अंदर बिग स्क्रीन के अंदर देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए। उससे पहले ही आपको पिक्चर जैसा मजा दिखाने के लिए ट्रेलर रिलीज हो रहा है। तो जिस दिन रिलीज होने वाला है वो एक अलग ही हिस्ट्री होने वाला है। तो क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स उसे बता सकते हो, कितना एक्साइटेड हो वो मुझे जरूर से बता। सो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही मूवीज के रेट हर अपडेट आपको चैनल के अंदर देखने को मिलता है। और ऐसे यश भाई के बारे में और ऐसे ही चैप्टर 2 के बारे में हम अपडेट लाते रहते हैं, और यश भाई के बारे में बात करना बहुत बढ़िया लगता है, मजा आता है, क्योंकि ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करना एक अपने आप में अलग लेवल का बात होता है। सो क्या कहना मुझे जरूर से बता सकता। सो आज के लिए वीडियो इतना ही था, अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हो, कुछ बताना है वो भी मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।